हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाइपरसोनिक इंडियन। स्वागत है आपके इस न्यू एंड अमेजिंग साइंस वीडियो में। क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है फिजिक्स का, जो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताता है। अब क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एटम से मिलकर बना है, तो अगर हम एटम्स की पोजिशन एंड वेलोसिटी को मेजर कर लें तो हम यूनिवर्स का और हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर 4 है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का। सो लेट्स फायर इट अप। साइंटिफिक थ्योरीज के सक्सेसफुल होने से, स्पेशली न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फ्रेंच साइंटिस्ट लैपलेस ने आर्गुमेंट दिया कि हमारा यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हम यूनिवर्स में होने वाले सभी इवेंट्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें प्रेजेंट कंडीशंस का पता हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सन एंड प्लैनेट्स की प्रेजेंट सिचुएशन पता हो, तो न्यूटन्स के लॉज को यूज करके हम किसी भी टाइम पे हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल तो बहुत ही ऑब्वियस है, बट लैपलेस इसको और भी आगे ले गए। उनके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिफिक लॉज होने चाहिए जो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसको बहुत से लोगों ने अपोज भी किया, बट इसका कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन नहीं था। तब 1926 में जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हाइजनबर्ग ने उनका फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी पार्टिकल की फ्यूचर पोजीशन एंड वेलोसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए उसकी प्रेजेंट पोजीशन एंड वेलोसिटी पता होनी जरूरी है। ऐसा करने का सबसे ऑब्वियस तरीका है पार्टिकल के ऊपर लाइट डालना। लाइट की कुछ वेव स्कैटर हो जाएंगी और इससे हमें पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी। हालांकि हम पार्टिकल की पोजीशन लाइट वेव्स की क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हमें ज्यादा एक्यूरेसी के लिए शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स का यूज करना होगा, एंड वेवलेंथ जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी, वेव्स में एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो हम जितना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहेंगे, उतनी शॉर्ट वेवलेंथ रिक्वायर्ड होगी, एंड इससे हायर एनर्जी की वेव्स जो पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी को बहुत लार्ज अमाउंट से डिस्टर्ब कर देंगी। आसान शब्दों में, जितना एक्यूरेटली हम पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करेंगे, उतनी ज्यादा एरर पार्टिकल की वेलोसिटी को मेजर करने में होगी। उन्होंने बताया कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी टाइम्स मोमेंटम की अनसर्टेनिटी एक सर्टन वैल्यू से कम नहीं हो सकती। वो नंबर है प्लैंक्स कांस्टेंट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेजरमेंट के तरीके पर डिपेंड नहीं करता। ये तो हमारे यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस प्रिंसिपल से फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच सामने आई, क्वांटम मैकेनिक्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की साइंस है, जिस पे न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं होते। क्वांटम पार्टिकल्स की कोई सेपरेट वेल डिफाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी नहीं होती, बट ये पार्टिकल क्वांटम स्टेट में होते हैं, जो पोजीशन एंड वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेशन का एक सिंगल क्लियर आउटकम नहीं होता, बल्कि ये तो एक प्रोबेबिलिटी होती है सर्टेन आउटकम्स की। फॉर एग्जांपल, अगर हम बहुत सारे सिमिलर सिस्टम में सेम मेजरमेंट करते हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ ऑब्जर्वेशन में ए रिजल्ट के चांसेस ज्यादा हैं एंड कुछ में बी रिजल्ट के। इनमें से कोई भी रिजल्ट सही या गलत नहीं है। इससे साइंस में एक रैंडमनेस आ गई। आइंस्टाइन ने इसको अपोज भी किया, बट उनको इस थ्योरी में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। क्वांटम मैकेनिक्स से मैथमेटिक्स में भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट आया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये रियल वर्ल्ड को पार्टिकल्स एंड वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करता, बट वेव्स एंड पार्टिकल में एक ड्यूअलिटी है, मतलब किसी पर्पस के लिए हम वेव्स एंड दूसरे पर्पस के लिए हम लाइट को पार्टिकल का ज़ूम कर सकते हैं। इसके वजह से एक और फेमस एक्सपेरिमेंट सामने आया, जो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट है जिसमें दो पैरेलल स्लिट्स हैं। प्लेट के बैक साइड पे एक स्क्रीन रहती है, एंड फ्रंट से हम लाइट को टू स्लिट से पास करते हैं। जब लाइट पार्टीशन में से पास होती है, तो स्क्रीन दोनों स्लिट्स में से वेव्स को रिसीव करती है। जब वेव स्लिट में से पास होंगी, तो कुछ वेव्स को कैंसिल कर देंगी एंड कुछ वेव्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगी, जिससे स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न मिलेगा जो लाइट एंड डार्क लाइन से बना होगा। अमेजिंग बात यह है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट एक्जैक्टली मैच करते हैं। जब वेव सोर्स को एक पार्टिकल से रिप्लेस करते हैं, तब भी हमें सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे, यानी एक पार्टिकल वेव्स की तरह ही बिहेव करता है। और भी अजीब बात यह है कि अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें, तब हमें यह पैटर्न नहीं दिखेगा। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज करें, तब भी हमें सेम ही पैटर्न दिखेगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह ही बिहेव करता है। इसका एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन श्रोडिंगर ने दिया। उन्होंने बताया कि क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन को हम प्रोबेबिलिटी वेव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे वेव हाई होगी, वहां इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसको समझने में ये गलती करना आसान है कि जहां वेव्स हाई होगी, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि प्रोबेबिलिटी वेव ये बताती है कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इस थ्योरी की वजह से ही पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को जन्म मिला, क्योंकि सेम पार्टिकल सेम टाइम पे डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारा स्पेस एक्सपेंड हो रहा है, बट गैलेक्सीज एक्सपेंड नहीं होती। दो गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है, सिर्फ वो ही इंक्रीज हो रहा है। गैलेक्सीज का एक डिफाइंड स्पैन है, जो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन बिलो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लो और भी इंटरेस्टिंग साइंस वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।